बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी और इसके साथ छोले का जो सालन बनता है ये बनाएंगे। और ये किस तरीके से बनता है, घर में आप किस तरीके से बना सकते हैं इसको आसानी से, तो चलिए देखते हैं। ये तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से हलवा पूरी होममेड, इसके लिए जो छोले के जो सालन बनता है इसके जो अज्जा हैं आप वो देख लीजिए। हमें चाहिए छोले, इनको मैंने 3 से 4 घंटे बॉइल कर दिया, मैंने इनको जो है भिगो के रख दिया था पानी में। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जल्दी आप करना चाहते हैं कुक, तो आप इसमें खाने का सोडा डाल के इसको भिगो के रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको पानी से निकालने के बाद बॉइल कर लिया है नमक के साथ और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया है। और ये जो देखें हमारे चने हैं ये कुक हो चुके हैं। इसके साथ हमें चाहिए एक प्याज चॉप, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च है चॉप 1 खाने के चम्मच। बाकी इसके स्पाइसेस देख लीजिए, हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, ये है मेरे पास 1 टीस्पून, लेकिन अगर आप इसमें स्पाइस बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास है धनिया, और ये है कुटा हुआ धनिया है मेरे पास 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच है हल्दी पाउडर, ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये है चाट मसाला, ये है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मेरे पास है आमचूर, इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, हल्दी जाएगा। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ आप इसको फ्राई कर लें। अच्छा, देखिए आप जो हमारा कलर ही लाइट सा हुआ है चेंज, अब मैं इसे मसाले ऐड करूंगी। इसके अंदर आपको बहुत ब्लैक कलर नहीं करना, स्पाइस हम इसमें ऐड करेंगे। मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, धनिया, धनिया जो मैंने कूट के रख लिया था, ये कुटी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, के साथ में ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और ये नमक। नमक आप हसबे जायका इसमें ले सकते हैं। तो सारे हमारे स्पाइस चले गए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको भून लूँगी। इसको हम भून लेंगे मसाले को। देखिए इसको मैंने भून लिया है, मेरा जो पानी मैंने ऐड किया था इसके बाद मैंने थोड़ा सा और भी पानी ऐड किया है और इसको मैंने सही से भूना है। अब इसके अंदर हम चने ऐड करेंगे जो मेरे पास बॉयल है। मिक्स कर रहे हैं मसाले में। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, इतनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको कुक कर लूँगी। अच्छा, ये देखें इसको आपने हल्का सा चम्मच की मदद से पीस लेना है, ऐसे थोड़ा सा ये नरम है तो ये अच्छे से हो जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, मिक्स कर लें। तो इसको हम पका लेंगे हरी मिर्चों को डाल के। तो ये रेडी हो गया है, अब इसको हम उतार लेंगे। अब जो उसके साथ
साथ जो हलवा बनता है ये आप देख लीजिए, हमें चाहिए सूजी, ये है मेरे पास 125 ग्राम। इसके अलावा चीनी है हाफ कप, जितना आपको मीठा पसंद है आप इसमें इतना ऐड कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें है लौंग, 5 जा मेरे पास है लौंग और 3 मेरे पास है छोटी इलायची। इसमें हम यूज़ करेंगे फूड कलर, इसके साथ हम इसको घी में बनाएंगे तो वो यूज़ करेंगे। अच्छा देखिए, हलवे के लिए मैंने 5 खाने के चम्मच इसमें घी ऐड किया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लौंग और छोटी इलायची। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी और इसको डाल के हम भून लेंगे। इसको आप भून लें। ये देखिए मैं उसको भून रही हूँ, सही से आप उसको भून लें हर तरफ से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। ठीक है, इसको मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, 2 कप पानी। कुक कर ले। ठीक है, इसको सही से मिक्स कर लिया हमने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फूड कलर, इसको आप चला चला के थोड़ा सा ऐड करते रहे। मैंने फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं इसको कर लूंगी को, इसको मैं पका लूंगी। अच्छा, अब हम बनाएंगे पूरियाँ। इसके लिए हमारे पास है मैदा 400 ग्राम और ये है मेरे पास नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी मैंने इसलिए लिया है कि आपकी जो पूरियाँ हैं ये सॉफ्ट बनती हैं और नरम बनती हैं, तो इसलिए मैंने नीम गर्म पानी में यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, इसके साथ मैं ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और थोड़ा थोड़ा डाल के आपने इसको गूंद लेना है। अच्छा देखिए, मैंने इसको गूंद लिया है अच्छे से और इसके ऊपर मैंने ऑयल प्रेस कर दिया है और ये आपका जो है आटा ही गूंद चुका है पूरियों का, ठीक है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे ढक के, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे और इसकी हम पूरियाँ फ्राई करेंगे। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद हम इसको रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। इतनी पूरी का जो साइज होता है वो आप ले सकते हैं। हर तरफ से इसको आप एक बॉल की शक्ल दे दें।
ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे, दूसरा भी बना लेंगे ऐसे ही सेम। ठीक है, इस तरीके से अब मैं सारे बॉल्स बना लूंगी। ये देखिए हमने इसको ढक के रख लिया था, अब हम क्या करेंगे इसको हम बेल लेंगे। इसको मैंने 5 मिनट ढक के कवर करके रख दिया था, ठीक है। ये देखें ये बिल गया, इस तरीके से हम उसको सारे बना लेंगे। अब हम जो पूरियां हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। उनको हम पलट लेंगे। इसके बाद इस तरीके से फ्राई कर लेंगे बाकी भी। जी तो देख लीजिए आज की जो रेसिपी है हमने आपके साथ शेयर की है, होममेड हमने आपके साथ जो शेयर की रेसिपी हमने आपके साथ बनाई है पूरियाँ। इसके साथ हमने सर्व किया है ये हलवा और ये है छोले की तरकारी जो आपको मिलती है बाज़ार से, जो आप खरीदते हैं परचेस करते हैं। लेकिन आज हमने आपको घर में इसका कंप्लीट मेन्यू बनाना सिखाया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरीके से आज का जो मौसम है और जो वेदर है, बारिशें चल रही हैं, तो आप इसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, बनाइएगा घर में और उसको आप गर्म गर्म बना के सर्व कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।